हमास और इजराइल दोनों के बीच झड़प जारी है। इजराइल के हालात डराने वाले हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बीच इजराइल में रह रहे भारतीय छात्र विमल ने वहां के हालातों के बारे में जानकारी दी है। But this time it's like little pretty intense because of the people like coming in the cars and firing, infiltrations happening around us. So it's little scary, but in our city we are safe. Okay, also, how is the embassy helping you? Because we have seen the statement released by them. Indian embassy is engaged with us in the groups. They are constantly in touch with us, asking us, is there any person who is in struggle or any issues around them? So they are like, keep on checking on with everyone. So like, we are fine with it. And I'm actually really nervous and scared. So thankfully, we have a shelter down and we have an Israeli police. Forces are nearby, so far we are safe. Yeah. We have a guy who is in the WhatsApp group community. They have shared us the links and the phone numbers and mail IDs. So if there is any emergency, we can contact them. So far we are getting informations and we are in touch with people. And we have a good Indian community around here. So far we are safe and we are connected. Vimal aur Goku ne bataya ki wahan kya halaat hai. वहीं यहां अफसरों ने इसराइल में भारतीयों से सतर्क रहने, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और सुरक्षा की जगहों के करीब रहने को कहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस मुश्किल समय में वो इसराइल के साथ हैं। शनिवार 7 अक्टूबर की सुबह गाजा के चरमपंथी समूह हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे। इसके बाद इसराइल ने गाजा पट्टी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सुबह हुए रॉकेट हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए जो कि इजरायली थे और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने भी एयर स्ट्राइक की जिसमें गाजा पट्टी के करीब 200 लोगों की मौत की खबर आई है। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़ा है। लिखा कि इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं बेकसूर पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसराइल में भारतीय दूतावास ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए एडवाइजरी जारी की। लिखा कि इसराइल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसराइल में सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया जाता है। कृपया सावधानी बरतें, गैर जरूरी आवाजाही से बचें और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहें। दूतावास ने भारतीयों से किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संपर्क करने के लिए भी कहा है। इस खबर के लिए जानकारी जुटाई है हमारी साथी मनीषा ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।